आइए जी जल्दी से हम थर्ड करेक्शन कर लेते हैं। थर्ड करेक्शन क्या है? बेसिकली गुडविल कैलकुलेट करते हुए इन्होंने कॉन्टिजेंट कंसीडरेशन को नहीं लिया था जो कि इनको लेना चाहिए था। बेसिकली जब आप किसी सब्सिडी को एक्वायर करते हैं तो जो कंसीडरेशन आप दे चुके हैं उसकी फेयर वैल्यू बुक करेंगे इंक्लूडिंग द कॉन्टिजेंट कंसीडरेशन एज वेल। आई हैव रिटन द सेम थिंग, द पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडी मस्ट बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन गिवन एंड दिस हैज टू इंक्लूड कॉन्टिजेंट कंसीडरेशन। द मिस्टेक विच इज इन दिस क्वेश्चन इज इन्होंने कॉन्टिजेंट कंसीडरेशन नहीं ली। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है जब हम कॉन्टिजेंट कंसीडरेशन को लेंगे तो क्या होगा? प्लीज अच्छे से सुनिएगा, ग्रुप अकाउंट्स में क्या इंपैक्ट आएगा उसकी बात करने वाले हैं। रिपीट, ग्रुप अकाउंट्स में क्या होगा ये जरा सा सोचना है आपने। पहली चीज, कॉन्टिजेंट कंसीडरेशन की प्रेजेंट वैल्यू है 16 मिलियन लेकिन कंडीशन नीट होने के चांसेस हैं 25। तो मेरे लिए जो कॉन्टिजेंट कंसीडरेशन की वैल्यू बनती है वो 16 × 25% विच इज 4। ओके, सवाल ये पहला होता है कि जब हम 16 × 25% को दैट इज कॉन्टिजेंट कंसीडरेशन को रिकॉर्ड करेंगे तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? ग्रुप अकाउंट्स में कॉन्टिजेंट कंसीडरेशन की वजह से गुडविल बढ़ेगी। तो ग्रुप अकाउंट्स में दो इंपैक्ट आएंगे, एक आपकी गुडविल इनक्रीज होगी और सेकंड आप लायबिलिटी को भी रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर ग्रुप अकाउंट्स की बात करूं तो बेसिकली होगा क्या, उस जब कॉन्टिजेंट कंसीडरेशन को आप रिकॉर्ड करेंगे व्हाट हैपेंस, आपकी गुडविल इंक्रीज होगी एज वेल एज लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अगेन मैं वही वाली बात रिपीट कर रहा हूं, अगर IAS 37 का सिनेरियो होता तो हम इस कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को बुक नहीं करते। सिंस ये IAS 37 नहीं है तो उसका कोई रूल यहां अप्लाई नहीं होगा। जैसे ही मैं कॉन्टिजेंट कंसीडरेशन को रिकॉर्ड करूंगा मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली मेरी गुडविल भी बढ़ेगी। लेकिन जो नेट इम्पैक्ट होगा ग्रुप अकाउंट्स में वो गुडविल का इंक्रीज हमें नजर आ रहा होगा और एक लायबिलिटी हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, क्योंकि जो पेरेंट की इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी होती है, जो पेरेंट की इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी होती है उसको हम ग्रुप अकाउंट्स में शो नहीं करते। पेरेंट की इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी वो पेरेंट की इंडिविजुअल बुक्स में तो आती है लेकिन ग्रुप अकाउंट्स में नहीं आती। तो कॉन्टिजेंट कंसीडरेशन को जब रिकॉर्ड करेंगे तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ कॉन्टिजेंट कंसीडरेशन होगी डेबिट हम कर देंगे उससे गुडविल और क्रेडिट कर दें लायबिलिटी। 16 मिलियन का 25% विच इज 4। अब अगर आप देखें तो सारा इंपैक्ट आ चुका है। कौन सा इंपैक्ट आ चुका है? आप क्वेश्चन में देखें आपकी गुडविल कितनी है 12। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपकी गुडविल कितनी है 12। अगर मैं सिर्फ आपको जल्दी से आइडिया दूंगा प्रॉपरली रिकैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा गुडविल कितनी है 12। क्वेश्चन में 12 की गुडविल है, जो मैंने पहली एडजस्टमेंट की थी उससे बेसिकली गुडविल क्या हो रही है 5 से कम हो रही है, ऐसे ही ना। जो मेरी सेकंड एडजस्टमेंट थी जिससे एनसीआई की फेयर वैल्यू बढ़ी थी, एनसीआई की फेयर वैल्यू बढ़ेगी तो गुडविल भी बढ़ेगी 3 से। जब कॉन्टिजेंट कंसीडरेशन को हम रिकॉर्ड करेंगे तो उससे हमारी गुडविल बढ़ेगी कितने से 4 से। इट मीन्स अगर मैं कॉन्सोलिडेटेड फुल गुडविल की बात करूं तो इट मस्ट बी 14 इंस्टेड ऑफ 12। आपका फाइनल आंसर कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए। तो अगर मैं आपको क्विकली रिकैलकुलेट करके बता दूं गुडविल विच इज वेरी इजी, प्लीज देखिए कंसोलिडेटेड गुडविल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हमारी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जी वो 68 प्लस दिस 4 72। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई हमने कैलकुलेट की थी विच वॉज 17। ये कैसे आया था 20% × 20% इंटू 4.25। सिंपली लेस कर दें फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स
at acquisition, including fair value adjustment. आपके पास चेक करें पहले से नेट एसेट 70 के हैं प्लस 5 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, इट कम्स टू कितना 75. तो सबको नेट ऑफ करें तो इंशाल्लाह आपके पास गुडविल कितने की आ जाएगी. दिस इज योर कंसोलिडेटेड गुडविल. अगर आपने पूरी वीडियो देख चुके हैं और आपने अगर प्रॉपरली अपना रजिस्टर भी बनाया तो ये जो एक सवाल आता है बहुत से स्टूडेंट के जहन में कि सर 8 मार्क्स के लिए कितना लिखें, कैसी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, कितनी डिस्कशन, कितनी कैलकुलेशन. तो अगर आप प्रॉपरली, आप अगर SBR के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली अगर आप प्रॉपरली इसको कॉपी कर रहे हैं तो आपको एक सवाल का जवाब भी मिल जाएगा. 8 मार्क्स के अंदर हमें कितना लॉन्ग आंसर देना चाहिए और ये इस चीज़ का भी आपको आइडिया हो जाएगा कि यार कितना हमें डिस्कशन वाले एरिया पर जाना था इस सवाल में और कितना हमें न्यूमेरिकल पार्ट पर जाना था. Thank you very much for watching this video. Assalamu alaikum.